हाय फ्रेंड, मैं हूँ सजदा और आज मैं आपको घर पर ही विटामिन सी सीरम कैसे बनता है उसका तरीका बताऊंगी। आजकल विटामिन सी सीरम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप मार्केट से विटामिन सी सीरम खरीदोगे तो आपको 1.5 से 2 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इतना खर्च नहीं करना चाहेंगे। हमारे स्किन को 5% से लेकर 20% तक विटामिन सी सीरम की ज़रूरत होती है। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसलिए हम इसे खाने की चीज़ों से पूरी करते हैं। नींबू, संतरा, आंवला और हरी सब्जियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को यूथफुल और ग्लोइंग बनाता है। लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग ठीक से खाना नहीं खाते, जल्दी काम करने के चक्कर में कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए उनके शरीर के टिश्यू डैमेज होने लगता है और समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। विटामिन सी सीरम एक एंटी एजिंग सीरम है। विटामिन सी सीरम स्किन को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज को रिपेयर करता है, यह हमारे शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, शरीर के फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, फाइन लाइन्स और रिंकल्स कम होने लगते हैं जिससे स्किन यूथफुल लगने लगती है, यह डार्क सर्कल को हटाता है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है जिससे स्किन इवेंटोन हो जाती है, स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। कई लोग केमिस्ट शॉप से विटामिन सी टैबलेट को खरीदकर विटामिन सी सीरम बनाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे आपके चेहरे पर रिएक्शन हो सकता है, इसलिए विटामिन सी टैबलेट को खाएँ ना कि चेहरे पर लगाएं। घर पर विटामिन सी सीरम बनाने के लिए आप मार्केट से एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर खरीदें। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ही साइंटिफिक नेम है। एक डार्क बोतल में 1/2 टी स्पून एस्कॉर्बिक एसिड लें। इसमें 1/2 टी स्पून रोज वाटर डालें, 1 टी स्पून ग्लिसरीन भी डालें। मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाएं। अगर आपका स्किन ड्राई है तो एक विटामिन ई कैप्सूल भी इसमें मिला सकते हैं। बोतल के कैप को टाइट लगाएं क्योंकि बोतल को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला रखने से विटामिन सी सीरम जल्द ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और हाँ, इसे फ्रीज या डार्क प्लेस में ही रखें, जब ज़रूरत पड़े तब ही निकालें। ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से आपको इस विटामिन सी सीरम को 8 से 10 दिन के बाद फिर से बनाना होगा। आप इसे रात में इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से वॉश करें। सूखने के बाद विटामिन सी सीरम के 4 से 5 बूंद ड्रॉपर की मदद से अपने चेहरे पर लगाएं। अच्छी तरह से मसाज करें और चेहरे पर एब्जॉर्ब होने दें। आप चाहें तो इस दिन में भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन रात में लगाने से ज़्यादा फायदा करता है। अगर आप इसे डे टाइम में यूज करना चाहते हैं तो इसे यूज करने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ। इसे यूज करने से पहले एक पेज टेस्ट जरूर लें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड।